हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लॉटेड अलोहा के बारे में, और साथ ही साथ में स्लॉटेड अलोहा और प्योर अलोहा के बीच में डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्योर अलोहा के बारे में, जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स एक एक करके अच्छे से आपको क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्लॉटेड अलोहा और इनके बीच में डिफरेंस। तो स्लॉटेड अलोहा और इसके बीच में पहला डिफरेंस क्या है कि प्योर अलोहा में हम बोलते हैं एनी टाइम ट्रांसमिशन कैन बी स्टार्टेड, मतलब कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पे ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन स्लॉटेड अलोहा में ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसमें क्या चेंज किया कि लेट्स से कि ये मेरा जो है वो टाइमलाइन है, मतलब ये मेरा टाइम जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। हमने किया क्या है कि प्योर अलोहा में तो कभी भी कोई भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है, यहां पर हमने इस टाइम को डिवाइड कर दिया स्लॉट्स में, और इस स्लॉट का साइज कितना है, मतलब इस स्लॉट की ड्यूरेशन कितनी है, ये बराबर कर दी हमने ट्रांसमिशन टाइम के। मतलब एक स्टेशन को अपना मैसेज ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगता है वो एक्चुअल में किसके बराबर कर दिया हमने, एक स्लॉट के। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैंने ऑलरेडी जो ट्रांसमिशन टाइम है वो फिक्स लिया हुआ है। ट्रांसमिशन टाइम होता क्या है, मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है कि मैसेज जो है वो फिक्स साइज का मैसेज है, बैंडविड्थ मीडिया की हमेशा फिक्स ही रहती है, तो यानी आपका ट्रांसमिशन टाइम भी हमेशा फिक्स आ रहा है। अगर आप अलग अलग ट्रांसमिशन टाइम लोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी अज्यूम करके चलो कि ट्रांसमिशन टाइम जो है वो फिक्स है, हर एक मैसेज को ट्रांसमिट करने में फिक्स टाइम ही लगता है। लेकिन लेट्स से कि अगर यहां पे एक स्टेशन ने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया और दूसरे ने यहां पे किया, तीसरे ने यहां किया, तब जाके ये जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। लेकिन हमने इसमें किया क्या है, दूसरी कंडीशन ये लगाई है। पहली कंडीशन तो क्या है कि टाइम को स्लॉट में डिवाइड कर दिया और स्लॉट का साइज कितना ट्रांसमिशन टाइम के। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोई भी स्टेशन अपना ट्रांसमिशन कब स्टार्ट करेगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट, मतलब जब स्लॉट उसका बिगिन हुआ उसी टाइम पे ही ट्रांसमिशन स्टार्ट हो सकता है। उस ट्रांसमिशन को मिड में, एंड में कभी भी ट्रांसमिशन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जब स्लॉट स्टार्ट होगा उसी टाइम पे ही कोई भी ट्रांसमिशन अपनी स्टार्ट कर सकता है। ये कंडीशन जो है वो ऑलरेडी स्लॉटेड अलोहा में डाल दी, मतलब सॉफ्टवेयर को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया कि कोई भी ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट होगी हमेशा बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट में ही होगी। तो इससे हुआ क्या, इससे सबसे पहला चेंज किसमें आया, वल्नरेबल टाइम में। वल्नरेबल टाइम का फंडा क्या है कि लेट्स से ये मेरा एक स्लॉट है, अब इस स्लॉट में ए ने अगर ट्रांसमिशन स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट होगी, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट होगी। इस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट करता जा रहा है, अगर ये मेरी टाइमलाइन है तो इस तरीके से जो है इस स्लॉट में उसने स्टार्ट किया, एक एक करके अपनी बिट्स को जो है वो डालता जा रहा है। अब यहां पे बी आता है या सी आता है, कोई और स्टेशन आता है, वो यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी वो दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी है, बिगिनिंग पे ही स्टार्ट होगी। लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि दो स्टेशन या तीन स्टेशन या मल्टीपल स्टेशन एक ही टाइम पे, मतलब बिगिनिंग में ही अगर वो स्टार्ट कर दें तब कोलिजन यहां पे भी पॉसिबल है। कब कोलिजन पॉसिबल है, जब दो या दो से ज्यादा स्टेशन बिगिनिंग पे, मतलब स्लॉट के बिगिनिंग पे ही स्टार्ट कर दें। लेट्स से कि अगर सिंपल से एग्जांपल से मैं बात करूं, 12 टू 1 मेरा लेक्चर है, 12 टू 1। अब अगर मैंने यहां पे फिक्स कर दिया कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा लेक्चर सुनना चाहता है तो वो एग्जैक्ट 12 बजे ही सुनना स्टार्ट करे, 12:05 पे, 12:10 पे, 12:20 पे, 12:45 पे, 12:59 पे भी अगर आता है तो वो सुन नहीं सकता। तो लेट्स से ए ने आया, ए 12 बजे आ गया, तो 12 बजे उसने मेरा लेक्चर सुनना स्टार्ट किया। अब दूसरा स्टेशन अगर आता है 12:05 पे तो वो सुन ही नहीं सकता, हमने ऑलरेडी ये फिक्स किया हुआ है कि अगर एक 12 बजे आया तो कोई भी बीच में नहीं आ सकता। लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि दो बंदे ही 12 बजे आ गए या चार बंदे एग्जैक्ट 12 बजे आए, तो भैया वो चार तो एक ही टाइम पे सुनेंगे, दैट इज द कोलिजन। तो यहां पे वल्नरेबल टाइम किसके बराबर हो गया, एक ट्रांसमिशन टाइम के बराबर, क्योंकि स्लॉट का ड्यूरेशन कितना है, इस स्लॉट का ड्यूरेशन है ट्रांसमिशन टाइम के बराबर। तो यानी वीटी यहां पे किसके बराबर है, ट्रांसमिशन टाइम के, और यहां पे वीटी इसके बराबर था 2 × ट्रांसमिशन के, और क्यों था ये मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो ये आ गया आपका सेकंड डिफरेंस, दैट इज द वल्नरेबल टाइम, और उसी की वजह से एफिशिएंसी, अगर हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ स्लॉटेड अलोहा तो उसका फॉर्मूला है g × e^-g, और g जैसा कि मैंने इसमें भी बताया था, नंबर ऑफ स्टेशंस वांट टू ट्रांसमिट इन अ गिवन स्लॉट ऑफ टीटी। तो कितने स्टेशंस ट्रांसमिट
ट्रांसमिट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ जी। और यहां पे हमारे पास टू था बिकॉज ऑफ दिस टू, ये टू था यहां पे इस वल्नरेबल टाइम की वजह से। और यहां पे हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस जी, मतलब e की पावर माइनस वन जी, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसमिट टाइम है। तो ये बेसिकली यहां पे डिफरेंस है। तो अगर यहां पे भी हम मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम डिफरेंशिएट करके और उसको इक्वलेंट टू जीरो करके। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें और बराबर रखें जीरो से तो क्या आएगा, जी इंटू ई की पावर माइनस जी, पहली वैल्यू को हमने एज इट इज रखा, अब हम ई की पावर माइनस जी और जी का अगर मैं माइनस जी का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या बनेगा, माइनस वन, प्लस दूसरी टर्म को मैं रखता हूं एज इट इज और पहली वाली टर्म क्या थी जी, उसका क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि हम किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, जी के। वैसे भी आपको डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहां पे हमने इसको किसके बराबर रखा है, इसको रखा हमने जी जीरो के बराबर। तो यहां पे हम e की पावर माइनस जी को अगर कॉमन लें तो माइनस जी प्लस वन यहां पे बना इक्वल टू जीरो, ये आप इक्वल टू जीरो कर दो तो आपका क्या बन गया, माइनस जी प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको हमने जीरो के बराबर रख दिया, इसको उठा लिया तो ये क्या बन गया, माइनस जी इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वन के बराबर। वहां पे जी की वैल्यू किसके बराबर थी, वन बाई टू के बराबर, और यहां पे जी की वैल्यू क्या आई, वन के बराबर। मतलब ऑन एन एवरेज एक स्टेशन ही अगर ट्रांसमिट करेगा तब जाके आपका जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। और वही तो मैंने बताया कि एक स्लॉट में एक ही अगर ट्रांसमिट करेगा तब जाके कोलिजन फ्री होगा। तो यही चीज हम यहां पे बताना चाह रहे हैं। तो जी की वैल्यू को वन अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या बनेगा, वन इंटू ई की पावर माइनस वन, मतलब इसको हम लिख सकते हैं वन बाय ई, और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71, मतलब 1 / 2.71, जिसको आप लिख सकते हो 0.368 या उसको लिख सकते हैं हम 36.8%। तो यानी एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी यहां पे कितनी थी, 18.4, और यहां पे कितनी आई, 36.8, मतलब 2 times आई एज कंपेयर टू द प्योर अलोहा। तो ये थे सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, लेट्स से हमारे पास 100 kbps, हमारे पास जो है वो बैंडविड्थ है 100 kbps, मतलब मैं एक सेकंड में 100 kilobits जो है वो सेंड कर सकता हूं। तो अगर मैं प्योर अलोहा को यूज करता हूं तो प्योर अलोहा में मतलब हम क्या करेंगे, इसका 100%, मतलब हम 18.4 के बिट्स ही प्रॉपरली सेंड कर पाएंगे, रेस्ट ऑफ द बिट्स क्या हो जाएंगी, कोलिजन की वजह से फेल हो जाएंगी। और अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे हमारी एफिशिएंसी कितनी, 36.8, तो यानी 100 के का 36.8, मतलब 36.8 के, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मतलब 368 किलोबिट्स जो है वो जनरली क्या होगी, 36.8 किलोबिट्स जो है वो प्रॉपरली सेंड होंगी, रेस्ट ऑफ द बिट्स क्या हो जाएंगी, कोलिजन की वजह से आपकी वेस्ट हो जाएंगी। तो हम इतनी एफिशिएंसी जो है यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और स्लॉटेड अलोहा में 2 times एज कंपेयर टू द प्योर अलोहा। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। थैंक यू।